ये देखिए मुझे सैफी अस्पताल का ये मेरा पेपर है, आप देख सकते हैं ये सैफी अस्पताल में मेरा जो ऑपरेशन, दो ऑपरेशन सैफी अस्पताल में हुआ है आप देख सकते हैं। और ये मेरा जय, ये देख सकते हैं कि ये मेरा जय अस्पताल का फाइल है, आप देख सकते हैं कि वहाँ में सबसे पहले मैं मुझे लगा सबसे पहले मैं जय अस्पताल में गई थी उसका ये सब पेपर है। ये देख सकते हैं कि ये देखिए मेरे बेटे का है, ये मेरे बेटे है, मेरे बेटे को ऑपरेशन हुआ था आपका, ये उसका पूरा फाइल है, पेपर है, ये आप देख सकते हैं कितना पेपर है, लेकिन उसको कंपनसेशन और मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, एक रुपया भी नहीं दिया। इतना पेपर होने के बाद में उसका आँख का सर्जरी हुआ, उसके आँख में लगा था, ये आप देख सकते हैं कि सीधा दिखा। और ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में काफ़ी तकलीफ है, मैं उठा नहीं पा रही हूँ। ये फाइल जो है, ये आप देख सकते हैं कि ये सारी पेपर जो है ये मैंने मंत्रालय में दी हूँ, सभी अधिकारी को, नेता मंत्री जितने हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये सब सभी लोगों को दी मैंने। ये सारी फाइल में ये रखा हुआ, स्टाम्प मार मार के ये सब रखा हुआ है। एक कॉपी मुझे मिला है जो मैंने ये रखी हूँ फाइल में बना करके, आप देख सकते हैं ये पूरा फाइल। ये आप देख सकते हैं कि ये देख ले पैरों से मैं हैंडीकैप हूँ, ये मेरा बैसाखी का मेरा साथ नहीं छोड़ता है, ये बैसाखी से मैं चल नहीं सकती हूँ, मैं बैसाखी से हूँ। ये मैंने पृथ्वीराज चौहान जी को दी थी ये लेटर, ये देखिए ये लेटर में सारी स्टोरी मैंने अपना तकलीफ दर्द जो था मैंने लिख के दिए थे, लेकिन मुझे लेटर का जवाब नहीं आया। ये देख सकते हैं मेरा लड़का का ऑपरेशन हुआ है, ये मेरा लड़का, ये देखिए मेरा लड़का भी है। आप देख सकते हैं ये देखिए नेता अधिकारी हैं, सभी लोग मुझे बरसी के दिन आते हैं और लेकर जाते हैं, ये सभी अधिकारी नेता, ये आप देख सकते हैं ये सभी अधिकारी नेता हैं और आते हैं बरसी के दिन मुझे लेकर जाते हैं, लेकिन कोई इंसानियत के नाते मुझे कोई मदद नहीं किया अभी तक। ये देख सकते हैं कि ये जय अस्पताल में सबसे पहले मैंने गई थी, ये पेपर है, जब ही सबसे पहले मैं जब गई थी जब ही से मेरा डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ये पेपरों में आना शुरू हो गया। ये देख सकते हैं आप किस कदर मैं बेड पर पड़ी हूँ, किस तरह से मुझे तकलीफ हो रहा है। ये देखिए ये मेरा लड़का है, इसके हाथ में सर्जरी हुआ है, देखिए ये ऑपरेशन हुआ है, ये भी अस्पताल में है, ये भी पेपर में छपा, लेकिन कंपनसेशन मुआवजा आज तक नहीं दिया गया मेरे लड़के को, एक रुपये से महरूम किया गया, एक रुपया भी नहीं दिया ना। एक महीने के बाद उन्होंने सर्जरी किए। ये देख सकते हैं किरण सुमैया जी है, पुलिस वाले हैं और मैं भी हूँ। ये देख सकते हैं सभी अधिकारी नेता कोई भी है, जब भी मेरे साथ आते हैं फ़ोटो खिंचाते हैं और चले जाते हैं, कोई एक पैसे एक चारा नहीं कि कोई मुझे एक बिस्किट नहीं कभी पूछा है। आप देख सकते हैं ये देखिए मैं पैरों से कितनी बेबसी, कितनी लाचारी, मेरे बच्चे ने मुझे उठाते बैठाते हैं, मैं उठ नहीं सकती बैठ नहीं सकती थी। आप देख सकते हैं बेड पर मेरा बच्चा नहीं कैसे मुझे उठाया, दोनों बैसाखी है जब भी नहीं मैं उठ पा रही हूँ, मेरे पैर में ज़रा भी ताकत नहीं है, कितने दर्द से कहरा रही हूँ, कितनी अपनी ज़िंदगी को एक एक पल की भीख मांग रही हूँ। ये देख सकते हैं आप देख सकते हैं ये देखिए ये भी पेपर, ये भी बेड पे मैंने पढ़ी हूँ, इतना सीरियस पेपर मेरा, जब भी पेपर छपा हुआ है 26/11 का, जब सीरियस का सीरियस की ही पेपर छपा हुआ है। ये देखिए ये आर एल पटेल जी हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं नज़दीक से कि आर एल पटेल जी हैं, एक गुलदस्ता मेरे हाथों में थमा दिए हैं, और क्या मेरी ज़िंदगी की कीमत मैं जान सकती हूँ क्या, एक गुलदस्ता है क्या मेरी ज़िंदगी की कीमत, यही है सब। ये देखिए ये पुलिस वाले ने मुझे उठा के लेके जा रहे हैं मंत्रालय में व्हील चेयर पर, मैं उठ नहीं सकती चल नहीं सकती थी, मंत्रालय ने मुझे क्या न्याय दिया, प्राइम मिनिस्टर ने मुझे क्या न्याय दिया, चार सरकारें आई लेकिन कोई सरकार ने मुझे मदद नहीं किया, ये व्हील चेयर पर इस स्थिति में इस पुलिस वाले ने मुझे लेकर जा रहे हैं,
आप देख सकते हैं जब भी नए मंत्रालय में कभी हमें इंसाफ नहीं मिला अभी तक। मैं ये ऐश्वर्या राज जी हैं, ऐश्वर्या मैडम हैं, आप देख सकते हैं उन्होंने मुझे एक अवार्ड दिए। आपकी सहायता करी? सहायता मत कोई नहीं किया, कोई भी सेलिब्रिटी हो या अधिकारी हो या मंत्री हो या कोई भी मुझे कोई सहायता मत नहीं किया। आप देख सकते हैं ये मंत्रालय का बिल, ये बिल है मंत्रालय में दिए, ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये फोटो ये देखिए। मैं अपना पेपर को दिखाती हूँ, जब जब मीडिया पेपर वाले आते हैं मेरे घर पे, मैं ये पेपर के साथ में बैठती हूँ, मैं पेपर दिखाती हूँ, अपनी तकलीफ बयान करती हूँ। पेपर में छपता है क्या उनके कान तक? क्या पेपर नहीं पढ़ते हैं? नेता अधिकारी के घर में पेपर नहीं जाता है क्या उनके पास? ये पेपर उनके कान में आवाज़ नहीं पहुँची है? एक विक्टिम एक महिला हूँ। ये देखिए ये बिल है, ये दवाई का मैंने बिल है, ये सारी बिल मैंने मंत्रालय कलेक्टर में जमा करी हूँ। अभी भी मेरे पास ये इतने सारे बिल पड़े हुए हैं, उसका जेरक्स है, जो मैंने बिल दिए मेरे इलाज कराई हूँ, जो मैं खुद के पैसे से इलाज कराई हूँ मैं अपना। आप देख सकते हैं ये कोई झूठा नहीं है, सच है सब। ये देखिए ये डेट पूरा डाल डाल के मैंने दी हूँ, जिस जिस तारीख को मैंने दी हूँ वो डेट। ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये डेट और तारीख सब मैंने डाल के दी हूँ। अभी देखिए मेरा स्थिति पैर का देखिए, कैसे मेरे पैरों से माजूर हूँ, कैसे मेरे पैर से सारी खुशियाँ पैरों के नीचे दबी। कितना बेबसी है, कितनी मजबूरी है, कितनी लाचारी है ये पैरों से, कितनी माजूर हूँ मैं। मैं एक एक पल भीख मांगती हूँ कोई मुझे मदद करे, कोई आगे आए, लेकिन कोई सरकार कोई नेता कोई मुझे एक रुपये की मदद नहीं किया है अभी तक। मैंने 16 लाख रुपया मेरे इलाज में लग चुका है, मैं कर्जा ब्याज लोन लेकर मैं अपना घर गिरवी रखी, आज भी मैं कर्जे में हूँ। आज तक अभी मैं इतना साल हो गया है, 14 साल हो गया है, 3 लाख रुपया मैं भी कर्जे में बाकी हूँ जो अभी मैं नहीं दे पाई हूँ। मेरे इलाज के मेरे दवा का पैसा 10,000 रुपया महीना लगता है, वो मैं कहाँ से लेकर आऊँ? ये कोरोना आ गया है, 2 साल से कोरोना पर परेशान करके रखा है, न बच्चे बेरोजगार हैं, रोजी रोटी नहीं है, मैं अपना दवा का पैसा कहाँ से लाऊं? मेरे पास बहुत मजबूरी लाचारी है, कोई भी भाई मुझे मदद करना चाहे तो मैं अपना नंबर, डोनेशन करना चाहे मैं अपना नंबर देती हूँ। मेरा नंबर है 9221903194। प्लीज़ मुझे कोई हेल्प करें, मुझे मदद करें, बस मैं अपनी बात को ख़त्म कर रही हूँ। मेरा मेडिकल पेपर, दूसरी बात यह है कि मैं अपना मेडिकल पेपर आपको दिखाना चाहूँगी कि क्या सच्चाई है। आपको लगता होगा आप सभी लोगों के कि ये क्या कह रही हैं, तो आप सच्चाई घटना देख सकते हैं मौके पे हैं। ये मेरा पेपर है जो मैंने इलाज कराई हूँ। मैं जय जय अस्पताल, सारी अस्पताल का पेपर है, एक्सरे है, MRI है, ये सब पेपर है मेरा, देख सकते हैं आप लोग कि ये मैंने इलाज कराई हूँ, मेरा खुद का पैसा लगा है। सरकार के ऐलान के बावजूद मुझे कि मैं सरकारी अस्पताल का मेडिकल का ख़र्चा उठाएंगे, प्राइवेट का खर्चे का उठाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि जजे के डॉक्टरों ने मुझे एक्सरे का पैसा लिया गया, सोनोग्राफी का पैसा लिया गया। इतने सारी फाइलें हैं आप देख सकते हैं, ये कोई कार्यालय नहीं है, ना कोई ऑफिस है, मेरा घर है। मैं अपने घर के पेपर दिखा रही हूँ, अपने इलाज के पेपर दिखा रही हूँ। वो देखिए पीछे कार्टून दो रखा हुआ है, दो कार्टून रखा हुआ है, उसमें भी पेपर रखा हुआ है। मैं थोड़ा सा पेपर अपने बच्चे की मदद से ये दिखाई, मेरे हाथ में भी बहुत तकलीफ है, मैं उठा नहीं सकती, निकाल नहीं सकती हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में बहुत तकलीफ है, मैं उठा नहीं सकती, इसलिए मैं बच्चे की मदद से थोड़ा पेपर निकलवा के आपकी सच्चाई दिखा रही हूँ कि मैं किस स्थिति में जी रही हूँ। कोई मेरे मुझे तो पूछे, कोई मुझे लाचारी बेबसी औरत को तो पूछे कि औरत किस हालात में है, और मेरा हाथ पाँव जवाब दे दिया है, मेरा हाथ पाँव काम नहीं कर रहा है, मैं उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, मेरे बच्चे की मदद से मैं उठती बैठती हूँ। प्लीज़ मुझे कोई हेल्प करे, मुझे मदद करे, बस मैं यही कहना चाहूँगी सरकार से कि हमारे बच्चे को नौकरी या मुझे
जो मेरा बिल का पैसा है प्लीज़ मुझे मेरा बिल का पैसा मुझे दे दिया जाए, मेरे बच्चों को नौकरी दे दिया जाए, मुझे हर महीना पेंशन दे दे, बस जिंदगी भर मैं उनकी एहसान मंद रहूँगी, बस इतना कहना चाहूँगी।